यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। भाई देखो, इस घर में बहुत लोग हो गए और गुजारा नहीं हो रहा हमारा, अब तुम लोगों को जाना पड़ेगा। सुधारते वारते यहाँ से तले जाओ। ठीक है भाई, इतना पैसा खर्च करेला, इतने पैसे में तो बहुत अच्छा मकान किराए पे रह सकता हूँ। आओ चलो जी, चलो कहीं। ठहरो ठहरो ठहरो, इधर क्या है? ये थाली बातों में थर्थ हो गई। क्या है शरत तुम्हारी? ये थर ऊपर वाले पोर्शन में तुम दोनों हो दे, मदर मेरे वाले पोर्शन में नहीं आओगे। तुमसे प्यार करती हूँ बालू, तभी मैंने ऐसा किया। आलम भी तो तुमसे बेपनाह प्यार करता है, जिस तरह तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते उस तरह मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। हिम्मत देती हुई नीचे आने की हत्ती तुले, वो पानी खत्म हो गया था ऊपर। मैंने तुझे कहा था ना, अपनी ये मनु थतल नहीं दिखाना, तेरी बात समझ में नहीं आई? वो बाजार गए हुए ना, इसलिए मुझे आना पड़ा। तुम लोग अगर इस घर तक खत्ता उतार रहे हो इसका ये मतलब नहीं है तो मैं तुम लोग से रोब में आता हूँ। दो मिनट को बाजार क्या गया? तुम लोग झंगा शुरू कर दिया करें। हैं अलीमुद्दीन, मैंने तुमसे कहा था ना कि इतनी मनु ततल मुझे नहीं देनी तो नहीं देनी, क्यों आई ये नहीं दिया? क्या है कतरीना, पाए थे तुम्हें नीचे आए? वही प्यास लग रही थी, ऊपर पानी खत्म हो गया था, प्यास ही मर जाती क्या? मर जाती तो अच्छा होता। मैंने कहा था ना कि इतनी ततल मुझे नहीं देनी तो नहीं देनी। अगर कोई मसला हो रहा है तो चले जाओ इधर से। तो हमें भी कोई शौक नहीं है ये मुंह देखने का। अरे किस बहस में पड़ गई है, और तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आज हाँ आलियो आनी, चलो आनी तो मनु तई थी, पता नहीं क्यों आ गई। अच्छा ना गुस्सा थूक दो, फिर तो बात होगी। दब चुदा था, जब मैंने मना किया था तो नीचे नहीं आना था, फिर क्यों आई वो? अरे तो इनको घर से निकाल क्यों नहीं देती? अरे जबरदस्ती दूते हैं ये लोग, अपने बेटों से कहो ना। अच्छा थोड़ी बात तो मुझे ये बताएं, कोई अच्छा सा रिश्ता मिला? रिश्ते तो दो तीन जगह मिले थे, लेकिन उन्होंने यहाँ आने से इनकार कर दिया कि तुम अपने शौहर के साथ रहती हो तलाक के बाद भी। इतनी क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है ना, तलाक के बाद तुम अपने शौहर के साथ हो, सौगन के साथ बेशक पोर्शन अलग अलग हो, मगर वो तो तुम्हारे लिए नामहरम हुए ना। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो तुम अलग हो जाओ या उन्हें निकाल दो। फिर मुझे भी ये दर तोड़ते जाना पड़ेगा। और तुम्हारे मोहल्ले वाले भी यही बात कह रहे हैं, फिर ऐसी हालत में रिश्ता कैसे होगा, सभी एतराज करेंगे ना। अच्छा ठीक है, मैं अपने बच्चों से बात करती हूँ, फिर आप तो बताती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। अच्छा तो फिर मैं चलूँ। कितने अरमानों से तुझको पीऊंगी आज मैं, हाय मेरा पसंदीदा जूस वो भी ठंडा ठंडा, लव यू, लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ, बैटरी खत्म? मेरा मतलब ये था, वैसे इस घर में कोई भी सुकून के साथ ना कुछ खा सकता है ना पी सकता है, हर जगह नाजिल हो जाते तुम लोग ऐसे। जिंदगी इसी का नाम है,
एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हाय 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 हाय, खुदा की कसम, वैसे इससे ऐसा पेटा डायलॉग नहीं था तेरे पास। वैसे आपा ये बताओ, मैं अच्छी एक्ट्रेस तो हूँ ना? क्या कहने तेरे, ऐसी कमाल की अदाकारा ना तू, और तेरा खानदान तो उससे भी ज्यादा लाजवाब। क्या कहने आपके, हा 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 भाई, किसके खानदान के बारे में क्या कह रही थी? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? एक क्या कमाल जमाना, आए हाय हाय अदाकारा, और दूसरी ऐसी बड़ी बदमाश। मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन जरूर पुलिस इस घर पे छापा मारेगी और कहेगी निकालो चुन्नी दादा। हाय हाय आपा, अपने सड़े हुए मुंह से ऐसी बातें तो मत निकालो। बस बोलने दे इसको, टाइम चल रहा है ना अभी इसका, कोई मसला नहीं है। वैसे भी हमें देखते ही जूस का डब्बा तो छुपा दिया था इसने, कहीं देना ना पड़ जाए। वो तो बस ऐसे ही हो जाता है कभी। बस बस अब ज्यादा शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। वैसे खुदा की कसम, क्या शिकरे की आंख पाई है तुमने, बड़ी खुशी हुई। जरा साइड पे हवा ले। अबे ते तो रहे। ना, क्या तो भी हुआ आपको, खैरियत तो है? पेट में दर्द हो रहा है और उल्टी भी। ओ चलो डॉक्टर को भी दिखा दे करें। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना, इंजेक्शन लगा देगा, आप फिक्र ना करें। कैसे फिक्र में ना को करूं, तुम्हें मेरा प्यार हो, तुम्हें मेरा सहारा हो, तुम्हें मेरी जिंदगी हो कतई। अल्लाह आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? हो, हद से ज्यादा मैं आपको प्यार करता, बहुत मेरे को फिक्र तो भी है, आलम भी घर को नहीं है। अब ऐसा कर तू, मैं डॉक्टर को खुद ही बुला के लाता हूँ कतई। नहीं आप बस बैठे रहे मेरे सामने। नको नको नको, तबीयत ज्यादा तो भी खराब होना रही, चलो डॉक्टर को दिखा दे कतई। आओ, बहुत दर्द हो रहा है। हवा सुनते आई हूँ, त्याग दे हथली तो। ये तो खाए कर रहे हैं, कहते हैं पेट में दर्द तो भी हो जा रहा, कहते इतना खाए दी तो बदहजमी तो हो दी ना। तो मतली भी मतली ये जो मन में तो शर्म नहीं आती बुढ़ापे में ऐसी हतरते तरते हुए? क्या बोल रहे हैं, मेरे समझ को आया है? तुम फिर बाप बनने वाले हो? क्या तो भी बोल रहे हैं, सच्ची बोलते हैं, मैं बाप बनने वाला? ओ शर्म नहीं आती, बुद्धि हतरते तरते हुए तोतले बादिए तबर में ताने लती हुई और हतरते तरती, इसकी जुबान काट दो, हथेली पे रखता रहा मैं। आओ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठे बैठे कैसी हैं मिसेस खान आप? बड़े अरसे बाद आना हुआ। हाँ बहुत दिन हो गए, तकरीबन मेरे ख्याल से एक साल तो हो गया होगा। सब ठीक चल रहा है ना? हाँ अल्लाह का शुक्र है, मगर मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ, मुझे कुछ खास काम है। सब खैरियत तो है ना? खैरियत तो है, मगर उस मसले का हल तुमने ही निकालना है। बात दरअसल ये है, मुझे तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेकिन क्या क्या बात है, खुल के बताएं। जानतारा ने मुझे आलम बालम के रिश्ते के लिए कहा था, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि वो अपने सबका शौहर के साथ रह रही है। मुश्किल? कैसे मुश्किल? लोग अजीब अजीब बातें बना रहे हैं, तलाक के बाद वो अपने शौहर के साथ उसी घर में रह देंगे, और इस बात का असर तुम पे भी पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक उनसे है। अच्छा तो आपने जानतारा को नहीं समझाया क्या? बहुत समझाया, लेकिन तुम्हें पता है वो किस मिजाज की है। हाँ ये बात तो है, गुस्सा तो बहुत जल्द आ जाता है जानतारा। मुझे कोई तकलीफ नहीं है,
बस इसी बात के लिए तुम्हारे पास आई। जब आप आ ही गई हैं तो मेरा भी एक मसला हल कर दे, मेरी सफीना के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ, अच्छे लोग हों, शरीफ, कोई डिमांड नहीं है मेरी। मुझे यकीन है तुम पहले इस मसले को हल करो तो फिर इंशाल्लाह मैं कोई अच्छी खुशखबरी सुनाऊंगी। हाँ हाँ वो तो मैं बात करूंगी चांद तारा से। अच्छा मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह अच्छी खबर। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कितनी महंगा है बाबा, 500 रुपए की ये सब्जी जाए गोल घुमा को। बड़े मजा आ रहे हैं चाचा तुम्हारे गोल घुमा को। माफ करना मैं आपको पहचाना ना को गोल घुमा को। हमने क्या घुमा रहे चाचा, गोल तो तुमने घुमा रखा है इस उम्र में। हाँ तो भी बोल रहे हैं, क्या मतलब है तो भी आपका गोल घुमा को। इतना नन्ना नहीं है तू जितना तू बन रहा है। ओए क्या मसला है, बजान का क्यों रास्ता रोका हुआ तू? बड़ी परेशानी है भाई, मैं तो बस चाचा से पूछ रहा था कि इस उम्र में इतनी जवान लड़की इन्हें कहाँ से मिल गई, हमें तो कोई नहीं मिलती। बकवास मत कर रहे, तुझे बताऊं। छोड़ो मियां जाने जाने दो, अपना काम तो भी करो, चलो यहाँ से, चलो भाग जाओ यहाँ से, चलो। चल भाई चल, अपने काम से काम रख, निकल यहाँ से। लगती है भाई लगती है, कोई जवान भाई के बारे में बात कर ले तो बड़ी जोर की लगती है। बकवास मत कर रहा है, तुझे बताओ अभी। तू भूल गया ना, तो भूल गया तेरे साथ मैंने क्या किया था, बता बता भाई को बता। बारम ये वही जिसने मुझे गोली मारी थी। अब्बा तुम घर जाओ, हम निपटते हैं। बदमाश तो छोड़ो यार, चलो बदमाश लोग आके मुंह की गाय को लगते ना, तो वो घर लेके जाओ। तुम भी रुको अम्मा, खबरदार जो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया, समझी तुम? यही है जिंदगी। देखो अब्बा, अब मसला बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। हाँ अब्बा, अब किस किस का मुंह बंद कराएंगे? अब तुम लोग आज बताओ, क्या तो भी करते हम। अब्बा मैंने सुना कि ये बात शरा में भी जायज नहीं है कि अम्मा और तुम एक साथ एक घर पे रहो। हाँ ठीक बोल रहे, मैं भी यही सोच रहा, मैं सोच ले रहा कि घर तो भी छोड़ के मैं जाऊं कतई। अरे नहीं अब्बा, हम अम्मा को समझाते हैं कि घुमाने जाएंगे घर पे चले जाएं, क्योंकि छोटी अम्मी की तबीयत भी तो खराब है। तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगे वो मान जाएंगी? अरे यार मानेंगी तो नहीं, पर खर्चे से लेके किराए से लेके हर चीज अब्बा की जिम्मे है, अगर अब्बा चले गए तो सारी जिम्मेदारी अम्मा पे आ जाएगी, सारा खर्चा अम्मा के सर पे आ जाएगा। ठीक तो भी बोल रहे हैं, ठीक है जैसा बोलते ऐसा करेंगे। भाई कतरीना की तबीयत तो भी बहुत खराब रहती, चाहता नहीं और मसले मसाइल पैदा होंगे, खराब तो भी होगा ना क्या। देखो अब्बा, अम्मा से हम बात करते हैं कि वो चली जाए मवानी जान के घर पे, इतने हम किराए का घर देख लेते हैं, मान गई तो ठीक है, वरना या तो तुम्हें जाना पड़ेगा या फिर हम चले जाएंगे। ठीक है फिर ऐसे ही करते हैं, कर बहुत मुश्किल है कि अम्मा माने। माने ना माने तुम्हें तो जाना पड़ेगा। हाँ तुम लोग जैसा बोलते ऐसा मैं करता। हो कब आएगा मेरे सपनों का शहजादा, सारी रस्म रिवाजों को तोड़ के, सारी दुनिया को छोड़ के अपनी वीर को ले। कब आएगा? अबे ओ हीर कहेगी क्या, फिर से निकाल के लेकर आऊं? यार छोड़, तो मुझे ये बता मैं कैसी लग रही हूँ अब? देखो ना लोग एक्टिंग में हमें चांस ही नहीं देते, कैसे टेढ़े मेढ़े लोग आके बैठे हुए हैं और हमारे हिस्से में क्या सिर्फ इंतजार और धक्के।
अबे छोड़ ये एक्टिंग वैक्टिंग के चक्कर, ये एक्टिंग वैक्टिंग में ना कुछ भी नहीं रखा, मेरी तरह लाइफ एंजॉय कर। मेरी मान रियल लाइफ एक्टिंग से बढ़कर कुछ नहीं होता। अच्छा तो फिर यार मैं क्या करूं? देखो ना मुझे शौक इतना है मगर पूरा ही नहीं हो पा रहा। ये सब छोड़, आज का सीन बताऊं तुझे? क्या? एक छिछोरा छेड़ रहा था मुझे, दांत निकाल रहा था, नंबर मांग रहा था मेरा, आंख मारी उसने मुझे। फिर क्या, लाते घूसे मारे मैंने उसको। फिर क्या, साला भाग गया यहाँ से, जूते का नंबर याद करा दिया मैंने उसको। काफी भरम हो गया अपना इस मोहल्ले में। यार तू ऐसा मत क्या करना, देख अगर तुझसे कोई नंबर मांगा करे तो उसको अपनी छोटी बहन, मेरा मतलब है बड़ी बल्कि बहन का बोल दिया करना कि रिश्ता लेके आ जाए उसके लिए। अबे चल पागल हो गई है क्या, रिश्ता लेकर आ जाए, एक कान के नीचे दूंगी ना। किसी को ख्याल ही नहीं है मेरा, कब आएगा मेरा शहजादा? आएगा आएगा आएगा, मुझको वो लेने आएगा। अम्मा, अम्मा तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया अम्मा, नाराज हो क्या? मिली तो तितबती तालाब है, तोता था, बत्तू ते दास रहते, तुतियां दे दूंगी, मदन लो ते दीने देते, ना मन्ने देते। अम्मा किसी ने कुछ कह दिया क्या तुम्हें? तो ही तेज अभी, तो तितबती तो मुंह बंद लो दे। अम्मा परेशान मत हो। अम्मा हम भी तो तुमसे यही बात करने आ रहे थे। लोदों की तरह तुम लोदों तो भी परेशानी हो गई, मुझे मेरे दर्द निकाल दोगे। ऐसी बात नहीं है, देखो अच्छा ठीक है, तुम खाओगी तो हम अब्बा और छोटी अम्मी को इस घर से निकाल देंगे, उनसे बोलेंगे कि कहीं भी जाके रह ले। भाई अगर उनको निकाल दिया तो घर का किराया और खर्चे वगैरह ये सब कौन करेगा? हाँ यार इस वक्त मेरी भी नौकरी नहीं है, ये भी काम पे नहीं लगा हुआ, मेरे पास जो कुछ था खत्म हो गया। बहुत मुश्किल हो जाएगी अम्मा। फिर मैं ताजा होंगी, फिर तुम दोनों भी खाते चलोगे मेरे। अम्मा तुम कुछ अरसे के लिए मुमानी जान के पास चली जाओ ना। तुम दोनों और तुम्हारे बाप ये सब मिलते मुझे निकाल रहे हो ना, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है ये। अगर अब हम वानी जान के घर पे कैसे रह सकते हैं? हाँ तुम्हारे लिए मसला नहीं है। फिर वहां जाऊं? अम्मा वैसे भी तो तुम सारा दिन वहीं होती हो। हाँ अम्मा वानी जान से ना पक्का रहने वाली बात भी कर लेना, उनका दिल बहुत बड़ा है, वो कभी मना नहीं करेंगे। वो ठीक है, मैं जाऊंगी उससे बात करूंगी, अगर वो मान जाती है तो सही है, नहीं तो फिर मैं दा देना कोई भी दर्दा पे बैठता हूँ और जबरदस्त ढूंढने नहीं आना, मुझे नहीं आना ढूंढने। अम्मा वैसी बातें तो मत करो, हम कुछ अरसे में किराए के घर देख लेंगे कहीं, फिर वहां शिफ्ट हो जाएंगे, बुला लेंगे तुम्हें। ठीक कह रहे हैं आलम, बस हाँ चुटकी क्यों मोछ रहा मेरे भाभी, आए भाभी 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 मेरी भाभी। रुक जा पप्पा, तुम भी रुको अम्मा, खबरदार जो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया, समझी तुम? वापस पलट जाओ जिन कदमों से आए हो, उन्हीं कदमों से वापस। मुझे निकाल दिया उन लोगों ने, निकाल दिया। बहुत अच्छा किया। ये किसने निकाल दिया? क्यों निकाल दिया? अम्मा। बाबी, वो बुद्धे अली बुद्दीन ने, वो नादन ततरी नाने। अरे तो आलम और बालम ने रोका नहीं उन्हें? अरे अपने बाप से दांत मिल जाए। बहुत अच्छा हुआ पप्पो, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, जैसी तुम्हारी हरकतें है ना वैसा सही हुआ है तुम्हारे साथ। वाह वाह कसीरा, क्या काम किया तूने। अरे मैंने तो तभी तो बुरा नहीं था।
अल्लाह तौबा तौबा तौबा, पहले जमाने में लोग झूठ बोलते थे तो सामने आ जाता था, अब तो देखो इनको जरा कैसे मुंह पे झूठ बोल रही है। फूफो, तुमने लोगों का बुरा करने के सिवा कोई काम किया है जिंदगी में? बोल ले, बोल ले, तू भी बोल ले, सब लोग मुझे तपा रहे, सब तपा रहे, सब तपा रहे। अल्लाह तुम मजा सी ना, ऐसे नहीं बात करते बड़ों से। अम्मा तो फिर बड़ों को भी बड़ापन दिखाना चाहिए ना। मत बुरा होना तो तू ही भी दाद नहीं देता, तब मैं ही तली दाती हूँ। ओहो, ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है, जाने दो अम्मा, चुके दो। बच्चे हैं, बच्चों की बातों का बुरा नहीं बनाते। अच्छा तुम इतना जिद्दी रही हो तो मैं रुक जाती हूँ। बड़ी चलाको पुप्पो तुम, बड़ी चलाको। तुम्हें पता है अच्छी तरह यहाँ पे तुम फ्री में रहोगी, फ्री में खाना, फ्री में पीना, ना कोई खर्चा, ना कोई पानी, ना कोई पैसा, ना कोई रुपया। अम्मा साफ साफ कह दो उसको, अब यहाँ रुकेगी ना तो पैसे देने पड़ेंगे उसको हमें। हसीना बस अब चुप हो जा, चल जा अपने कमरे में। अपना कमरा? कौन सा कमरा अम्मा, हर कमरे में तो मुकीम है लोग, यहाँ पर मुस्तकिल मेहमान बिला वजह के। ना माना कर, ये भी तो तेरे बच्चे ही है ना। नहीं मानती, नहीं मानती बुरा, तुम फिक्र नहीं करो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्यों रो, क्या हो गया ये, कैसे हो गया? बहुत अच्छा हो तुम्हारे साथ पुप्पो, मेरा दिल आज बाग बाग हो गया, इससे भी बुरा होना चाहिए था तुम्हारे साथ। खाएगी मुझे? नहीं तरते तो भाभी, तेरी बातें तरते मेरा दिल गला रही है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, चुप हो जाना। तैयारी था? हाँ भाई, क्या प्रोग्राम है आज, हॉकी खेलें? शानी एक काम कर, जाके चिंटू मिंटू को बुला कर ला, लोग ज्यादा होंगे तो खेला सही से जाएगा। ठीक है उस्ताद। अबे ओ इधर आ। क्या हुआ, कहाँ जा रहे? काम से जा रहा हूँ। चल आ जा, तुझे हॉकी खेलना सिखाते हैं। बहुत शुक्रिया, मुझे काम से जाना है। मर्जी है तेरी, फिर मत कहना कि चुन्नी ने पूछा नहीं। तुम लड़की हो के यार, नहीं मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि तुम लड़की हो कि नवारा, लड़कों के साथ खड़ी हो यार, थोड़ा तो ख्याल कर ले। तो ये जो हॉकी देख रहा है ना तू, इससे तेरा मुंह का नक्शा बदल दूंगी मैं। खबरदार जो मेरे दोस्तों को आवारा बोला, आवारा होगा तू, चल कट यहाँ से। नहीं मैं कह रहा था खेल लो, तुम खेलो, नहीं खड़ी तो नहीं हो ना। अबे यार देख, बुरा मत मानियो, कजिन है मेरा बेचारा, बावला है थोड़ा सा। चल जानी जल्दी जाके चिंटू मिंटू को बुला के ला। क्या कर रहा है पालम, पागल तो नहीं हो गया तू? क्या हो गया, सब खैर तो है? अरे खैर ही तो नहीं है, मेरा भाई खो गया है, पता नहीं कहाँ। छोड़ना है सच में पालम, मेरे भाई, मेरे दोस्त, जिंदगी ऐसी नहीं गुजारी जाती जिस तरह तू गुजार रहा है। दुख परेशानी जुदाई ये सब जिंदगी के रंग है। देख जिस तरह हम खुशी इंजॉय करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह हमें गम को भी इंजॉय करना चाहिए। अरे गम का सामना करना तो सीख तू, तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा बात सुन, सब बातों को छोड़ गोली बात, मुझे एक बात बता, ये जो तू अपनी नन्ही सी जान पे इतना जुल्म कर रहा है, क्या होगा? करीना वापस आ जाएगी, तुझे मिल जाएगी? नहीं बता तो सही, होगा क्या? कुछ नहीं होगा ना, तो फिर क्यों कर रहा है मेरे दोस्त? आलम एक दिन सब ठीक हो जाए। अरे यही तो कह रहा हूं मेरे भाई कि सब कुछ कब ठीक होगा, पता नहीं, ये सब कुछ देखने के लिए मैं जिंदा भी रहूंगा कि नहीं। अरे पागल हो गया क्या यार, कैसी बातें कर रहा है? देखा, मैं भी तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब अपना दुखी होता है तभी, जैसे तुझे मेरी बात सुन के दुख हुआ ना, बिल्कुल वैसे ही मुझे तेरी हालत देख के दुख होता है, दिल खून के आंसू रोता है। देख मेरे भाई,
जिंदगी की तरफ वापस आ जाओ। मत कर जुल्म खुद पे भी और हम पे भी। अब घर चलो। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। यार ये बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात? या पहले तो ये लड़के हमें देख के मुंह पलटिया करते थे, अभी ये सलाम कर रहे हैं। शुरू में तो मैं भी हैरान हो गया, लेकिन भाई जब से इन लड़कों को पता चला है ना हम दोनों चुन्नी की कजन है, अब ऐसे झुक झुक के सलाम करते हैं हम दोनों को। तो ये इज्जत अफजाई हमें चुन्नी की वजह से मिल रही है? तो क्या बुरा है इसमें? कोई अच्छाई भी नहीं है इसमें, कौन सा फख्र करने वाली बात है? भाई जो भी है, चुन्नी की वजह से ना पूरे मोहल्ले में हमारी ऐसी इज्जत हो गई उधम वाली। अबे डरता है पूरा मोहल्ला चुन्नी से, वो तो कूट भी देती है इन लड़कों को। कसम से अबे मैं तो पिटते पिटते बच गया, यही बच के रही, बहुत बुरा मारती है। मेरे अल्लाह, अरे कोई पानी ला दे। पानी ला दो। बहुत दर्द है तुम्हारे को? बहुत दर्द हो रहा है। पेट के दर्द की गोली तुम्हारे को दूं? डॉक्टर को बुलाया, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। आराम से बैठो, तुम आराम से बैठो। हेलो, कौन बोल रहे? आओ डॉक्टर साहब, मैं अली मुद्दीन बोल रहा, आओ। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर इंजेक्शन लगा को चला गया, उन्हें सुकून से सो रहे हैं। डॉक्टर मेरे को बोला टेस्ट तो भी कराना पड़ेगा, फिर पता लगेगा मसला क्या है। अब लाए पर्चा, मैं दवाई ला देता हूँ आपको, अब छोटी अम्मी का ख्याल रखें। आओ आओ। अम्मा को तो पता नहीं क्या घोल के पिलाया, ऐसा कौन सा फार्मूला था तेरे पास जो तेरे ही गुण गाती है? कुछ भी नहीं पिलाया हम बोलते, तो खाला बहुत मोहब्बत करती है मुझसे। चलें छोड़ें, बात तो बताएं, वो आजकल बालम। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अरे कौन है तोड़ दो के दरवाजा आ रहे? आइए आइए, बाहर क्यों खड़े, इतनी गर्मी हो रही है। ओ बेबी जी, कितना दूध चाहिए जी? कितने हैंडसम हो ना तुम जी। क्या मतलब जी आपका? मतलब कि खूबसूरत हो। अब इधर उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो ना। वो जी हमारे मोहल्ले में एक दादा रहता है, आप उसी की बहन हो ना जी? चिन्नी? हाँ चिन्नी कहते हैं उसे। जी जी वही जी, बहुत डर लगता है जी मुझे उससे, इतना बड़ा गन चक्कू उसके हाथ में होता है जी हर वक्त। अरे डरने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे शादी कर लोगे ना तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी कसम से। अरे 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 गजब खुदा का, ये तू यहाँ क्या खड़ी इसके साथ गप्पे लड़ा रही, और तू निकल क्यों नहीं राजा से? ओ, मैं तो कब से बोल रहा हूँ जी बहन जी, पैसे दे दो मैं जाऊँ, पैसे दे दो मैं जाऊँ, लेकिन सुनती नहीं जी, अपनी बातें करे जा रही है जी। क्या बहन जी? तो और क्या जी, इस घर के किसी बंदे से बदतमीजी करके हमको मरना है क्या जी? तो देखो जी, आप सब मेरी बहन जैसी हो, ये पकड़ो जी दूध। आ गया सुकून दिल को, करा ली रच के बेइज्जती अपनी, चले अब अंदर गलती से बहन जी। जलती हो तुम मुझसे आपा, देखना इसी गेट से आएगा मेरे सपनों का शहजादा और दुल्हन बना के ले जाएगा मुझे। हाँ तेरे सपनों का शहजादा आएगा, तुझे ट्रक पे बिठा के ले जाएगा, वाह मेरी किस्मत। नन्नी मुझे ये बताइए, सफीना इतना शोर क्यों मचा रही है? दिमाग खराब हो गया क्या उसका? पागल हो रहा थे वो पागल,
खुद की तो शादी वादी होती नहीं है, रिश्ता रिश्ता आता नहीं है, मुझसे ही जलती रहती है पता नहीं क्यों। अरे वो तुझसे क्यों जेलस होगी? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो और नहीं तो क्या, जब भी कोई आ जाए दरवाजे पर मेरी जासूसी में लग जाती है। आज भी दूध वाला आया बेचारा तो मुझ पर शोर मचा रही है। अच्छा एक बात बता, तू तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती है, फिर ये तू शादियों के चक्कर में क्यों पड़ गई है? जानती हूँ मैं सब कुछ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि इस तरह शादियाँ नहीं होती हैं। देखना एक दिन मेरी किस्मत का सितारा ऐसा चमकेगा कि मैं एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस बन जाऊंगी। हाँ वो भी टॉप क्लास, और लोग फिर मुझसे कहेंगे सुने मुझसे शादी कर लें, एक कहेगा मुझसे शादी कर लें, मुझसे शादी करेंगी, लेकिन मैं कहूँगी जी नहीं मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती अभी। नन्ही वाकई क्या करेगी तू ऐसा? फिर मैं अपने प्यारे के लिए वो सब कुछ करूंगी जो आप लोगों ने कभी ख्वाबों में नहीं सोचा होगा। हाँ पर शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल 19 साल की बन गई हूँ। जब भी कोई पूछेगा क्या उम्र है आपकी, मैं बोलूँ 19 साल। नन्ही तू हमसे इतना प्यार करती है, तुम्हारी सोच से भी। मैं जानती हूँ नन्ही, अल्लाह तुझे जरूर कामयाब करेगा, फिर तो मैं बड़ा अच्छा सा कारोबार कर सकती हूँ, है ना? हाँ, फिर हम सब मिलके बहुत सारे काम करेंगे। तो ठीक है। जी हम आप बुलाया आपने? हाँ बेटा मैंने बुलाया था, एक बात तो नहीं थी। बोलो अम्मा। बेटा तू अपनी मानी जानती ना, बातों तो बुरा नहीं माना था, दुत्ते में बहुत सारी बातें कर देती है। जानता हूँ अम्मा, इसीलिए कुछ नहीं कहता। बेटा आतल ना वो बहुत उदात है, तुम तो यहाँ आना दाना नहीं छोड़ना, चाहे वो तुझे मना भी करे। आप फिक्र ना करें अम्मा, मैं ख्याल रखूंगा। तो देख तुम्हारी वो मानी दानती मेरी कितनी लड़ाई होती है, अगर मैं उसका साथ नहीं छोड़ती। बात ही तो मतलब तो अपनी दादा है। अम्मा अब ये लोग हैं ना इस घर में, इसलिए मैं यहाँ पे कम आता हूँ। ये इधर उन लोग तो कहाँ हैं, ये तो भाभी दान और मेरे भाई ता है, और वो लोग थोड़े दिनों में यहाँ से तली जाएंगी। अल्लाह करे जल्दी चली जाए ताकि हमें भी सुकून का सांस मिले। बोले मोहल्ले तो ना तन करते रख दिया है, बड़े नसरें थे। अच्छा अम्मा अब मैं चलूं? क्या पढ़ रही हैं सिनेमा जी? क्या हुआ, क्या फिर सर में दर्द हो रहा है? नहीं अब होने वाला है। हैं? वैसे मेरे पास ना एक आला किस्म के तेल का फॉर्मूला है, अगर वो आप रोज मालिश करवाएंगे ना उस तेल से, तो आपके सर की जो जितनी जुए है ना वो सब झड़ जाएंगी, खुश्की खत्म हो जाएगी, सर का दर्द खत्म हो जाएगा। एक बार आजमा के देख लें। क्यों मस्कर लगा रही है मुझे, क्या चाहिए तुझे? खैर वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि जो लोग रोज नहीं नहाते ना उनके सर में मैल जम जाता है, और मैल से जुए हो जाती हैं, और जुए जो ना खुश्की पैदा कर देते हैं। आपके सर में जरूर यही होगा। ओ बुजुर्ग मुन्नी, ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना मेरा, समझी? रोज नहाती हूँ मैं, तेरी तरह नहीं कि एक दफा चोटी बांधी तो फिर 6 दिन के बाद ही खुलेगी। अच्छा अपने बाल देखे, लगता तो नहीं है वैसे, बुरे बाल है तो। अच्छा ना अब छोड़े ना लड़ाई झगड़ा, हर वक्त लड़ने मरने को तैयार रहती हूँ। वैसे ना बहुत मासूम हूँ मैं, खाला दी यही कहती हूँ। अम्मा को तो पता नहीं क्या घोल के पिलाया, ऐसा कौन सा फार्मूला था तेरे पास जो तेरे ही गुण गाती हैं? कुछ भी नहीं पिलाया हम घोल के, तो खाला बहुत मोहब्बत करती है मुझसे। चलें छोड़ें, बात तो बताएं, वो आजकल बालम, मेरा मतलब है आलम, नजर नहीं आ रहे काफी दिन से। क्यों तुम्हें क्यों फिक्र है उनकी? मैंने तो ऐसे पूछ लिया था, अम्मा ने बिला वजह उनको उल्टा सीधा कह के निकाल दिया मुझसे, जबकि उनका तो कसूर भी नहीं था। आजकल बालम का तो बिल्कुल कसूर नहीं था। करीना मैडम तो बड़ा खुश रह रही हैं दुबई में सलमान के साथ। मैं तो कसम से
आलम की शक्ल देखकर वो तरस गई। वाकई और मेरी आंखें तो सूखती जा रही है। ओ मैडम होश में आ जाओ, खबरदार जो तुमने मेरे बालम पे बुरी नजर डाली तो, वरना ऊपर पहुंचा दूंगी दो जख्म तुमको सीधा तुम्हारे बिछड़े हुए रिश्तेदारों के पास जो तुम्हारे फार्मूलों की वजह से ऊपर गए, सब मिलके मारेंगे तुझे। ओहो किसी के मायके लाल की जरूरत नहीं है जो मुझे ऊपर पहुंचाए। ऐसा गायब करने का फार्मूला है ना मेरे पास, मिनटों में गायब करूंगी। पागलों की तरह पूरे घर में घूमती रहेगी, किसी को नजर भी नहीं आएगी। अपने आप को शीशे में देख के बस खुश होती रहना। आई बड़ी बिचारी मुझे ऊपर पहुंचाए। इधर आ इधर आ इधर आ, हमारे घर में रहते, हमारा खाते, हमारे घर में सोते, बेगरत कहीं के एहसान परामोश मुझे गायब करेगी तू? अब तो मेरे सामने नहीं आना, तुझे मैं ऐसा गायब करवाऊंगी ना कि याद रखेगी बुजुर्ग मुन्नी। बालम के सपने देख रही है। इश्क है रब्त है जब्त है जिंदगी, दर्द है कर्ब है वक्त है जिंदगी, कहीं रोते हुए कहीं हंसते हुए रो, जीते हुए रो, मरते हुए सह रहे हैं सभी, कहीं पे है नमी कहीं पे है खुशी, यही जिंदगी है यही बंदगी है, यही है यही है यही है जिंदगी, यही जिंदगी है यही बंदगी है, यही है यही है यही है जिंदगी। यही है जिंदगी यही है जिंदगी। क्या चुन्नी के साथ घूमने फिर रहे हो? मोटरसाइकिल पे बिठाया हुआ था उसको अपनी, क्यों इतनी दोस्तियां बढ़ा रहे हो उससे? मैंने सब देख लिया है। मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ चाहे बात करूं, जिसके साथ चाहे दोस्ती करूं, तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे मुझे मेरे हाल पे छोड़ क्यों नहीं देती? मतलब तुम किसी से प्यार व्यार नहीं करती? तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, तनी कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो। या ना? नहीं है कोई भी मर्जी। क्या हो रहा है ये?